Hello students, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathdwara, Rajasthan. Today we will discuss about flight adaptations in caves. Yeah. In 1958, called birds as the masters of the air. He was not wrong because there is practically no system or no organ that has not been modified in relation to flight. In this video, we will discuss about various adaptations which are there in the life of birds to adapt themselves for aerial mode of life through their anatomy, embryology, physiology, and ecology. The first is the shape of the body. The shape of the body of birds is streamlined and they are having spindle-shaped body, which is designed to offer minimum resistance to the wind. Hence, they easily propelled through the air in the same manner as the fish swim through water, very easily without any waste of effort. Second point is compact body. The compact body, light but strong dorsally and heavier ventrally, helps in maintaining the balance of birds in the air. Feathers. The feathers help birds' passage through the air and reduce friction to minimum. They also prevent loss of heat and help to maintain a constant body temperature. यंग ने सन 1958 में पक्षियों को वायु का स्वामी कहा था। वे कदापि गलत नहीं थे, क्योंकि व्यवहारिक रूप से पक्षियों का कोई अंग या तंत्र ऐसा नहीं है जो उड्डयन के लिए रूपांतरित नहीं हुआ हो। इन जीवों में शारीरिकी, भ्रौणिकी, कार्यिकी और पारिस्थितिकी द्वारा अपनी वायवीय जीवन पद्धति के प्रति कई अनुकूलन हुए हैं, जिसमें पहला इनके शरीर का आकार या आकृति है। पक्षियों का शरीर का आकार इनके समस्त अनुकूलनों के निष्कर्ष को दर्शाता है। इनका शरीर पूर्णतया धारारेखित एवं तर्कोरूपी शरीर होता है, जो वायु को न्यूनतम प्रतिरोध प्रदान करने के लिए अभियोजित या डिजाइन किया हुआ होता है। यही कारण है कि पक्षी वायु में उसी प्रकार सुविधा पूर्वक नोदित होते हैं या उड़ते हैं, जैसे कि मछली पानी में बिना प्रयत्न के तैरती है। कॉम्पैक्ट बॉडी या संहत शरीर। पक्षियों का शरीर पृष्ठ ओर से हल्का परंतु मजबूत और अधर ओर से भारी होता है। सहज शरीर वायु में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। फेदर्स अथवा पिच। पक्षियों के शरीर का एक विशिष्ट लक्षण है पर या पिच की उपस्थिति, क्योंकि अन्य किसी भी जंतु समूहों में पंख नहीं पाए जाते हैं। चिकने घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए पीछे की ओर दिष्ट देह पिच शरीर को धारारेखित और घर्षण को न्यूनतम बनाकर उसमें से वायु में से उसे वायु में से गुजरने में सहायता करते हैं। हल्के पिच शरीर को चारों ओर से ढकने वाली वायु का एक बड़ा सा कंबल बनाकर उसे रोके रखते हैं और शरीर की बोयंसी या उपलावकता को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। पंखों या परों का कुचालक आवरण शरीर को पूर्णतया ऊष्मा रोधी बना देता है और ऊष्मा की हानि को रोकता है, जिससे कि इन जीवों को अधिक ऊंचाइयों पर अत्यधिक शीत को सहन करने तथा स्थिर तापमान को बनाए रखने में सहायता मिलती है। विंग्स। फोरलिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स व्हिच हेल्प ड्यूरिंग फ्लाइट। The elongated flight feathers of wings are called ramages. The flight feathers of a wing form a broad surface for supporting the bird in air.
दिस हेल्प्स इन डाइविंग द बर्ड फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स ड्यूरिंग फ्लाइट. शॉर्ट टेल. द शॉर्ट मस्क्यूलर टेल बियर्स अ सीरीज ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बट लाइट कॉडल फेदर्स विच आर कॉल्ड एज रेक्ट्रिसेस. दे आर अरेंज्ड इन फैन लाइक मैनर एंड सर्व्स एज अ रडर फॉर स्टीयरिंग ड्यूरिंग फ्लाइट and counterbalance in perching. Beak. Besides procurement of the food, the horny beak is also used for nest building in birds. The conversion of forelimbs into wings is duly compensated by presence of the beak. Punkh. Pakshiyon mein agrapad pankhon mein rupantarit ho jate hain. Ye agrapad अद्वितीय और शक्तिशाली अंगों के रूप में उपस्थित होते हैं. पंखों के लंबे उड्डयन पिच, जिन्हें पक्ष पिच या रेमिजीज कहते हैं, उपस्थित होते हैं. पंख के उड्डयन पिच या रेमिजीज पक्षी को वायु में थामने के लिए एक चौड़ा तल बनाते हैं. यह पक्षी को उड्डयन में आगे और ऊपर उड़ने में सहायक होते हैं. पक्षियों में छोटी पूंछ उपस्थित होती है. छोटी पेशी पुच जिस पर पंखे की भांति व्यवस्थित अनेक लंबे मजबूत परंतु हल्के रेक्ट्रिसेस उपस्थित होते हैं या पुच पिच उपस्थित होते हैं, जिन्हें रेक्ट्रिसेस कहा जाता है. उड्डयन में परिचालन यानी कि स्टीयरिंग के समान कार्य करते हैं और अचानक उड्डयन को रोकने और पक्षी साधन में प्रति संतुलन के लिए ये एक दिक नियंत्रक या रडर की भांति कार्य करते हैं. चोंच. पक्षियों में अग्रपादों का पंखों में परिवर्तन होने के कारण चोंच की उपस्थिति उसे उचित रूप से उस क्षतिपूर्ति को पूर्ण कर देती है. इन पक्षियों में दांत अनुपस्थित होते हैं तथा मुख से अपेक्षाकृत एक हल्की व श्रृंगी चोंच निकली रहती है जो वस्तुओं को उठाने के लिए चिमटी के रूप में प्रयोग की जाती है. भोजन प्राप्त करने के अतिरिक्त चोंच घोंसला बनाने में भी प्रयुक्त होती है, अर्थात जो कार्य अन्य जंतुओं में अग्रपाद के द्वारा संपादित किए जाते हैं वे सभी काम पक्षियों में चोंच के द्वारा पूर्ण कर लिए जाते हैं. नेक एंड हेड. Mobile neck and head are present in birds. The neck of the birds is very long and flexible. It is very useful for feeding, nest building, offense and defense. Bipedal locomotion. Bipedality is as characteristic of birds as flight. Flightless birds walk on two legs which are relatively stronger. Integument. The loose skin is a modification for flight. It is responsible for extensive movement of the skeletal musculature during flight. ग्रीवा और सिर. पक्षियों में गतिशील ग्रीवा और सिर उपस्थित होते हैं. पक्षियों की ग्रीवा बहुत लंबी और लचीली होती है. क्योंकि पक्षियों की चोंच को खाने का, घोंसले बनाने का, आक्रमण व सुरक्षा का कार्य समान रूप से करना होता है, अतः ग्रीवा की सचलता और सिर की स्वतंत्र गतिशीलता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. द्विपादी प्रचलन या बाइपीडल लोकोमोशन. पक्षियों में अग्रपादों के बिल्कुल उपलब्ध न होने के कारण उनके शरीर का संपूर्ण भाग भार का संतुलन और आलंबन के लिए तथा भूमि या जल में प्रचलन के लिए पश्चपाद या टांगों को धड़ से कुछ आगे की ओर उपस्थिति होती है. द्विपादिता या बाइपीडलिटी भी पक्षियों का एक ऐसा ही विशेष लक्षण है जैसा कि उड्डयन, क्योंकि सभी उड्डयनहीन पक्षियों में दो टांगों पर चलने का अभ्यास बनाए रखना होता है और इसी कारण से इनकी टांगें अपेक्षाकृत अधिक मजबूत भी होती हैं. अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट.
पक्षियों की त्वचा ढीली त्वचा होती है और ये उड्डयन के लिए एक आवश्यक अनुकूलन या परिवर्तन है। यह कंकाल पेशी न्यास को विस्तृत गतियों के लिए उत्तरदायी बनाती है। फ्लाइट मसल्स। द फ्लाइट मसल्स ऑन द ब्रेस्ट ऑफ बर्ड्स आर ग्रेटली डेवलप्ड विच हेल्प्स इन फ्लाइट। दे हैव वन सेट ऑफ मसल्स विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ विंग्स। द विंग इज लोअर डाउन बाय पेक्टोरिस मेजर एंड इट इज एलिवेटेड बाय पेक्टोरिस माइनर। पर्चिंग। द हैंड लिम्स आर वेरी वेल सूटेड फॉर पर्चिंग। द बेंडिंग ऑफ लेग्स exert a pull on flexor tendons which make toes automatically to flex and grip to the perch. Flight muscles या उड्डयन की पेशियां। पक्षियों में उड्डयन हेतु बड़ी पेशियां उपस्थित होती है। पीठ की पेशियां अत्यंत अभासित हो जाती हैं, लेकिन वक्ष की उड्डयन पेशियां अत्यंत विकसित होती हैं और ये पक्षी के कुल भार के छठे भाग के बराबर होती हैं। इनमें एक जोड़ी पेशियां जिसमें से एक विशाल वृहत अंश पेशी जिसे कि हम पेक्टोरिस मेजर कहते हैं, ये पंख को नीचा करने में सहायक होती है और दूसरी पेशी जिसे लघु अंश पेशी या पेक्टोरिस माइनर कहते हैं, वो पंख को ऊंचा उठाने में सहायता करती है। पर्चिंग या पक्षी साधन। पक्षी के पश्चपाद उसके वृक्षवासी जीवन के लिए भली भांति अनुकूलित होते हैं। उनकी पेशियां विकसित होती हैं और पक्षी साधन में सहायता करती हैं। जैसे ही पक्षी वृक्ष पर बैठता है तो टांगों के झुकने से फ्लेक्सर टेंडन्स में खिंचाव होता है, जिससे पादांगुष्ठ स्वतः ही नमन कर पक्षी साध या पर्च को जकड़ लेते हैं। इसी कारण विश्राम करता हुआ या सोता हुआ पक्षी भी स्वतः अपने पर्च या अड्डे से जकड़ा हुआ रहता है। एंडोस्केलेटन। मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर न्यूमेटिक बोन्स एंड दे आर फिल्ड विद एयर सैक्स इंस्टेड ऑफ बोन मैरो। इट इज द बोन विच मेक्स द बॉडी वेरी लाइट। मोस्ट ऑफ द बोन्स आर फर्मली फ्यूज टूगेदर विच हेल्प्स in flight. Skull bones are light and firmly fused together. The rigidity of the dorsal part of the vertebral column due to fusion of vertebrae provides a firm furculum for the action of wings. The sternum is greatly expanded and bears a keel for the attachment of major flight muscles in flying birds. Digestive system. The digestive system of birds is compact but very effective. Rectum is short and the fecal matter is relatively small and it is got rid of at once. The rate of metabolism in birds is very high, food requirements are great and digestion is very rapid. Antah Kankal. पक्षियों में अधिकतम अस्थियां वातिल या न्यूमैटिक होती हैं और अस्थि मज्जा के स्थान पर इनमें वायुकोश द्वारा भरी रहती हैं। करोटी की अस्थियां हल्की होती हैं और उनमें से ज्यादातर आपस में दृढ़ता पूर्वक जुड़ी हुई होती हैं, जो कि उड़ान में सहायक होती हैं। इन पक्षियों में कशेरुकों या वर्टिब्री के संलग्न होने के कारण वर्टिब्रल कॉलम का जो डॉर्सल साइड है उस जगह पर दृढ़ता प्रदान करने के लिए और पंखों को क्रिया करने के लिए एक सुदृढ़ आलंबक या फर्कुलम निर्मित होता है। इसके साथ ही इन जंतुओं के शरीर में स्टर्नम या उरोस्थी उपस्थित होती है, जो कि बहुत प्रसारित होती है और उड़ने वाले पक्षियों में उड्डयन पेशियां जो हैं वो इसी फर्कुलम से जुड़ने के लिए एक कील से जुड़ी रहती हैं। पाचन तंत्र। पक्षियों में पाचन तंत्र कॉम्पैक्ट या संहत प्रकार का होता है, किंतु बहुत प्रभावी होता है। इन जंतुओं में मलाशय छोटा होता है क्योंकि मल पदार्थ अपेक्षाकृत कम होता है। चूंकि उड़नशील पक्षियों में
मल पदार्थ के आधिक्य से भरा नहीं रहना चाहिए, अतः उसका शरीर से तुरंत विसर्जन कर दिया जाता है। पक्षियों में उपापचय की दर बहुत अधिक होती है, इसी कारण से इनको भोजन की भी आवश्यकता अधिक होती है। साथ ही इनका पाचन तीव्र होता है, क्योंकि इनके भोजन का जो कैलोरी मान या मूल्य अधिक होता है और न्यूनतम अपशिष्ट सहित अधिकांश भोजन प्रयुक्त हो जाता है। एयर सैक्स। एयर सैक्स आर अटैच्ड टू द लंग्स विच सर्व्स एज रिजर्वॉयर ऑफ द एयर। द एयर सैक्स सिक्योर मोर परफेक्ट एरेशन ऑफ द लंग्स एंड हेल्प इन इंटरनल परस्पायरेशन, दस हेल्पिंग इन द रेगुलेशन ऑफ देयर बॉडी टेम्परेचर। वार्म ब्लडेडनेस। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ हाई बॉडी टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 46 डिग्री सेल्सियस, विच इज नेसेसरी फॉर फ्लाइट रिक्वायरिंग अ ग्रेट आउटपुट ऑफ एनर्जी ओवर लॉन्गर पीरियड। वायुकोश। पक्षियों में लचकहीन फेफड़ों की संपूर्ति वायुकोशों के एक विलक्षण तंत्र के द्वारा होती है, जो फेफड़ों से निकलकर आंतरिक अंगों के बीच उपलब्ध समस्त स्थानों पर, यहाँ तक कि इनकी खोखली अस्थियों की गुहाओं को भी घेर लेती है। वायुकोश फेफड़ों के अधिक पूर्वातन को निश्चित करते हैं और आंतरिक स्वेदन यानी कि इंटरनल परस्पायरेशन में सहायता करके इनके शरीर के तापमान का नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। पक्षियों के फेफड़े प्रत्येक श्वास के साथ पूर्णतया रिक्त हो जाते हैं और वहां पर अवशिष्ट वायु या रेजिडुअल एयर नहीं बचती है, जिससे कि इनका श्वसन अधिक प्रभावी रूप से संपन्न होता है। वार्म ब्लडेडनेस या उष्ण रुधिर समतापता। पक्षी समतापीय जंतु होते हैं, उनके शरीर का तापमान उच्च होता है जो कि 40 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। इनके शरीर का उच्च तापमान के लिए रुधिर का पूर्ण वातन उत्तरदायी होता है, जो उड़ान हेतु अधिक समय तक ऊर्जा के निरंतर उत्पादन के लिए एक आवश्यकता के रूप में परिलक्षित होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम। अ लार्ज ऑक्सीजन सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर रैपिड मेटाबॉलिज्म एंड वार्म ब्लडेडनेस। इट इज डन बाय एन एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम। द एवियन हार्ट इज रिलेटिवली लार्ज एंड इट इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स एंड इट इज प्रोवाइडेड विथ डबल सर्कुलेशन। The high proportion of hemoglobin in RBCs is responsible for its quick and perfect aeration. Absence of urinary bladder. Except rhea, urinary bladder is absent in birds. Excreta are passed out at once. This helps in reducing the weight of the body of birds. Birds are uricotelic in excretion. It means they excrete uric acid and urates during excretion. परिसंचरण तंत्र। तीव्र उपापचय और समतापता के लिए ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति और एक सक्षम परिसंचरण तंत्र की पक्षियों को आवश्यकता होती है। इसी कारण से पक्षियों का हृदय अपेक्षाकृत बड़ा और पूर्ण चार कक्षों का बना हुआ होता है। यह रुधिर के द्विपरिसंचरण या डबल सर्कुलेशन सहित बहुत दक्षता से कार्य करता है। पक्षियों के रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा उपस्थित होती है और यह भी उसके शीघ्र और पूर्ण वातन के लिए उत्तरदायी होती है। उत्सर्जन। पक्षियों में यूरिक अम्ल उत्सर्गी उत्सर्जन होता है। पक्षियों में मूत्राशय का अभाव होता है, जो अन्य जंतुओं में अस्थायी रूप से मूत्र संग्रह के लिए होता है। अतः इन जीवों में मूत्र संग्रह नहीं किया जाता है और तुरंत ही शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इनके उत्सर्गी तरल का जल वृक्कों द्वारा वृक्क नलिकाओं और अवस्कर के कॉप्रोडियम में
पुनरावशोषित होता है। परिणाम स्वरूप अर्ध ठोस उत्सर्ग बनता है जिसमें मुख्य रूप से अविलेय यूरिक अम्ल और यूरेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका शरीर से तुरंत निष्कासन कर दिया जाता है। इस कारण से शरीर को अनावश्यक भार बढ़ने नहीं दिया जाता है और भार घटाने में ये सहायता करता है। ब्रेन एंड आईज। ब्रेन एंड आईज आर वेरी वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स। द डेलिकेट सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ग्रेट पावर ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन्ड बाय वेल डेवलप्ड सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन। आईज ऑफ द बर्ड्स कैन चेंज क्विकली फ्रॉम अ डिस्टेंट टू अ नियर विजन ड्यूरिंग फ्लाइट। सिंगल ओवरी। Presence of a single functional ovary on the left side of the body in female birds also leads to the reduction of weight, which is very essential for flight. मस्तिष्क तथा नेत्र। पक्षी संसार से प्रमुख संपर्क बनाने हेतु अपनी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। इसी कारण से उनके नेत्र बड़े होते हैं और मस्तिष्क भी अत्यंत विकसित होता है। मस्तिष्क में बड़ी दृक्पालियां सुविकसित दृष्टि के संगत होती हैं। इनकी नेत्रों में तेजी से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी भली भांति विकसित होती है, क्योंकि उड़ते समय पक्षियों को दूर दृष्टि से निकट दृष्टि में शीघ्र परिवर्तन करना आवश्यक होता है। एकल अंडाशय। मादा पक्षी में केवल बाईं ओर एकल क्रियाशील अंडाशय की उपस्थिति होती है, जो कि भार को कम करने में सहायक होती है और यह उड्डयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एडेप्टेशंस फाउंड इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बर्ड्स।